वेरी मच. असेसमेंट, हमने बेनिफिट और रिस्क को किस तरह करना है. ऑब्वियसली एस्प्रिन देनी है तो हमने ब्लीडिंग का रिस्क भी इसको काउंटर करके जहन में रखना है और ये डिसाइड करना है कि हमने किसको एस्प्रिन देनी है और किसको एस्प्रिन नहीं देनी. आर्टीरियल डिजीजेज़ की पैथोजेनेसिस, लिपिड डेपोजिशन, इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बोसिस, हमें अच्छी तरह पता है कि बेसिक जो एटियोपैथोजेनेसिस है दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस और इट्स अ यूनिफॉर्म प्रोसेस. किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स आना शुरू होंगी. प्लेटलेट्स कैस्केड क्या होता है इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन. प्लेटलेट्स जब भी प्लाक की डिस्ट्रप्शन होती है वहाँ पर प्लेटलेट्स की एडिजन्स होती हैं. प्लेटलेट्स वहाँ पर जब जो डिपॉजिट होते हैं वो फिर कोई ग्रेन्यूल्स को हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो फिर फर्दर उनकी एग्रीगेशन को प्रमोट करता है एंड फाइनली देयर इज अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड वास्कुलर ऑक्लूजन. जो सिंपल प्लाक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे. जब उस पर क्लॉट्स आकर बनना शुरू हो जाएं जो कि यूजुअली प्लाक डिसरप्शन की वजह से होंगे तो उसको एथेरोथ्रोम्बोसिस कहेंगे. यही एथेरोथ्रोम्बोसिस अगर कॉर्नरीज में हो तो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स करेगी जिसमें अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्टेमी हो या नॉन स्टेमी हो. अगर न्यूरोवास्कुलर सिस्टम में करेगी तो स्ट्रोक्स करेगी, TIAs करेगी या रेंड जिसको रिवर्सिबल इस्केमिक न्यूरोलॉजिकल डैमेज कहते हैं. और अगर लिम्स में होगी तो क्रिटिकल लिम इस्कीमिया कहेगी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ी सी फिजियोलॉजी को रिकॉल कर लें अगर तो एस्प्रिन इरिवर्सिबली बाइंड करती है COX-1 रिसेप्टर्स पे और प्लेटलेट्स को इनहिबिट कर देती है. उसके साथ जो दूसरे जो उसके माइनर मैकेनिज्म्स हैं, एस्प्रिन ट्रिगर स्पेशलाइज लिपिड मीडिएटर्स दैट कैन फैसिलिटेट इन्फ्लेमेशन रेजोल्यूशन जिसमें इकोसोनाइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, लिकोट्राइन्स हैं. Why and who should receive aspirin for primary prevention for vascular diseases? ये बहुत important question है. इससे पहले एक ये तस्वीर मैंने दिखाई. ये बंदा इसका नाम लॉरेंस क्लेरन था, क्रेमन था, लॉरेंस क्रेमन. हिस्ट्री में ये ही इज़ एन अनसंग हीरो. लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आज हम जो गाइडलाइंस और जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी गाइडलाइंस के पीछे जो मुहर्रिक था वो यही आदमी था. ही वॉज एन ENT सर्जन. ये 1901 में पैदा हुआ, फिर वहाँ पे वर्ल्ड वार में धक्के खाता रहा. उसके बाद टॉन्सिलेक्टमीज बड़ी अच्छी करता था. चूँकि उन दिनों सियालेसिन के नाम से जो सैलिसिलेट्स थे वो यूज़ हो रहे थे पेन के लिए, तो ये पेन किलर्स उनको देता था. तो एस्प्रिन जो है ना वो उनको हैवी डोज में दिया करता था चूँकि एनेस्थीसिया और बाकी चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी. तो इसने ये देखा कि जिन लोगों को 12-12 गोलियां ये खिलाता रहा 4-5 दिन के बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. तो इसने ये सोचा कि ये कोई प्रॉब्लम है. उन दिनों नया नया प्रोथ्रोमिन टाइम डिस्कवर हुआ था तो इसने उनका प्रोथ्रोमिन कराया तो वो ज़्यादा था. इसने ये स्पेकुलेट किया कि एस्प्रिन प्रोथ्रोमिन टाइम प्रोलॉन्ग करती है और उसके बाद इसका ब्लीडिंग का इसका इफेक्ट है. इसके बाद ये उन लोगों को फॉलो करता रहा तो इसने ये देखा कि जो मेल्स थे उनका चूँकि पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा था तो वो एस्प्रिन नहीं खाते थे उस ब्लीडिंग से परेशान होके. आगे जब इसने उनको फॉलो किया तो इसने देखा कि जो एस्प्रिन नहीं खा रहे थे पेन के थ्रेशोल्ड ज़्यादा होने की वजह से उनमें से बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से फौत हो गए. तो इसने इसको अपने एक ये ही वॉज नॉट ए प्रॉपर साइंटिस्ट, ये कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट भी नहीं था, सर्जन था. सर्जन एक लिमिटेड अप्रोच वाले होते हैं लिटरेचर में. तो इसने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया, इस बेचारे की कोई सुनवाई ना हुई. लेकिन ही वॉज द फाउंडर ऑफ दीज ऑल हाइपोथेसिस. इसने अपने तौर पर ये स्पेकुलेट किया कि 45 से लेकर 64 की एज तक के लोग अगर एस्प्रिन खाएंगे तो उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम रहेगा, अगर से कि ब्लीडिंग उनको रिस्क होगा. ये खुद भी लेता रहा 45 से 64 की एज तक. 67 की एज में जब इसने अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली एस्प्रिन छोड़ दी थी, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक वेरी आयरोनिकली. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर क्या करें, फिर एस्प्रिन क्या ये लेता रहता है एस्प्रिन सारी जिंदगी, क्योंकि इसने 2 साल बेचारे ने एस्प्रिन नहीं खाई और खुद हार्ट अटैक से फौत हो गया. यही चीज़ डिस्कस करने लगे हैं. बहुत सारे ट्रायल्स अवेलेबल हैं एस्प्रिन की प्राइमरी प्रिवेंशन पे. देयर इज अ वेल्थ ऑफ डेटा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता. बेनिफिट्स और हार्म्स को इंटीग्रेट अगर करें तो क्रक्स उसका जो थीम ये बनता है कि बेनिफिट्स ऑफ एस्प्रिन आर रिलेटेड टू अंडरलाइंग रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज और न्यूरोवास्कुलर डिजीज, जाके इस्केमिक हार्ट डिजीज है या न्यूरोवास्कुलर इवेंट्स हैं. और हार्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. तो इन हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क पॉपुलेशन बेनिफिट्स एक्सीड हार्म्स ऑब्वियसली. लेकिन जो लो रिस्क हैं उनमें
डेफिनेटली हार्म्स वुड एक्सीड द बेनिफिट्स, तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. तो रिस्क होता क्या है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क चीज़ें क्या हैं. ये एक एल्गोरिथम है जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की वेबसाइट पर मौजूद है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बनाया हुआ है. ऑल्दो कि दिस एल्गोरिथम इज मेंट फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेटिन थेरेपी, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स हैं. मैंने ये स्लाइड सिर्फ इस वजह से ली है कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री है, प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी डिजीज़ की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कंडीशन स्पेसिफिक टू वुमेन लाइक प्री क्लेम्शिया, क्लेम्शिया है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं एंड मैनी थिंग एंड मैनी मोर. और साथ ही उसकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि रिस्क कैलकुलेटर में हम इसकी स्लाइड में आगे एक मैंने उसको थोड़ा सा समराइज करके लिखा है. ये रिस्क कैलकुलेटर है, ये अगेन इट्स अ डिजिटल टूल एंड इट्स एन ऐप, ये आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल हो सकती है. एक क्विक सा तरीका ये है, चूँकि आजकल थोड़े से लीगल इश्यूज़ भी हैं, हमने बहुत दफ़ा ये देखा है कि आप हमको ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं और उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स या हैजर्ड्स हों तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है. तो हम इसको अपने लिए लीगलाइज करने के लिए हम उस ऐप में ये प्रैक्टिस करना शुरू हुआ हूँ कुछ अरसे से, कि मैंने अगर किसी को को ब्लड थिनर्स देने हैं या मैंने अगर किसी को कोई एंटीकोगुलेशन देनी है, एस्पिरिन या इस तरह, तो मैं वो रिस्क कैलकुलेटर में से वो रिस्क कैलकुलेट करके प्रिंट करके वो पेशेंट की फाइल में लगा देता हूँ, जो कि हमें ये बताएगा कि उस वक्त ये कैंडिडेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा था और इसको इसलिए ये दिया गया. पर ये रिस्क कैलकुलेटर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स शामिल हैं वो ये हैं कि जेंडर क्या है, एज क्या है, रेस, सीरम कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे, डायबिटीज, स्मोकर. एक चीज़ इसमें मिसिंग है, नए कैलकुलेटर में वो ऐड कर दी गई है, एंड दैट इज़ यूज ऑफ स्टैटिंस. तो रिस्क निकालेंगे बेसिकली, ये 10 ईयर्स का आपका एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क स्कोर निकलेगा. तो जिन लोगों का स्कोर 5% से कम होगा दोज विल बी कैटेगराइज एज लो रिस्क. जिनका 5 to 7.4% होगा वो बॉर्डरलाइन रिस्क में आएंगे. 7.5 to 19.9% रिस्क वाले इंटरमीडिएट कैटेगरी में आएंगे और उससे ज़्यादा जो भी होंगे वो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करेंगे. तो थीम ये है कि जो लो रिस्क हैं, डोंट ऑफर एस्पिरिन, एडवाइस पेशेंट्स नॉट टू यूज इट. ये क्लास 3 रिकमेंडेशन होगी, इसके अगेंस्ट आपने उसको काउंसल करना है. मीडियम रिस्क वो होंगे जिनमें प्रोज एंड कॉन्स, मीडियम रिस्क लोगों में आपने बेनिफिट्स और हार्म्स को पेशेंट के साथ डिस्कस करके प्रोज एंड कॉन्स को, उसके बाद एक कंसेंसस अपना बना के, अपना इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन करके आपने उसके बाद कंसिडर करना है कि डू यू नीड एस्पिरिन थेरेपी और नॉट. और हाई रिस्क लोगों में आपने एस्पिरिन यूज़ करनी ही है, क्लास 1 रिकमेंडेशन है. ये ब्रीफ सी जो है ना वो 2-3 इसमें दिखाई हुई है. 44% रिस्क रिडक्शन मिलती है हमें प्राइमरी प्रिवेंशन में. तो एस्पिरिन थेरेपी रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ओवर एज 40 विद रिस्क फैक्टर्स. वो रिस्क फैक्टर्स ये नीचे दिखाए गए हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जिसमें एस्पिरिन की जो जो क्लास ऑफ रिकमेंडेशन और ये जो उसमें जो उसका क्रक्स है वो बताया गया है. तो अगर ESC की जो 2019 की और उसके बाद 2021 की गाइडलाइंस को देखा जाए तो उसमें उन्होंने एस्पिरिन रिकमेंड किया इन पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलिटस एट हाई और वेरी हाई रिस्क. एस्पिरिन थेरेपी कैन बी कंसीडर्ड इन प्राइमरी प्रिवेंशन व्हेन लो डोज एस्पिरिन इज यूज्ड. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं कि आप उसके साथ दें. और इसी तरह 2021 की गाइडलाइंस में उन्होंने इसको एविडेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कंकमिटेंट यूज़ ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ने. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है. US टास्क फोर्स ने रिसेंटली ये रिव्यू किया है 2021 में और ये 2022 में पब्लिश हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि एडल्ट्स एज 40 to 59 ईयर्स विद 10% और ग्रेटर दैन 10% रिस्क कैलकुलेट शुड बी ऑन एस्पिरिन. द डिसीजन टू इनिशिएट, ये बहुत नीचे करके लिखा हुआ है, एल्डरली लोगों के बारे में उन्होंने बताया, आगे एक स्लाइड में रिपीट भी होगा, वो दैट नीड्स रिविजन. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट से ये पिक्चर ली गई है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि लो डोज एस्पिरिन 75 to 100 mg ओरली डेली माइट बी कंसीडर्ड फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज अमंग सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स 40 to 70 ईयर्स ऑफ एज हु आर एट हाई रिस्क बट नॉट एट इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. दिस इज क्लास ए लेवल ऑफ एविडेंस ए. लो डोज एस्पिरिन 75 to 100 mg शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन अ रूटीन बेसिस
for the primary prevention of atherosclerotic coronary artery disease among adults who are more than 70 years of age due to increased risk of bleeding. In logon mein jo bleeding ka risk hai, that outweighs the benefit. And low dose aspirin should not be administered for the primary prevention of atherosclerotic disease among adults of any age who are at increased risk of bleeding. So risk of bleeding calculate karne ke bhi different parameters and tools available hain. उसमें कनकमिटेंट स्कोर है, हैज ब्लड स्कोर है, ये अगेन ये सारी एप्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं. ये उसी की समरी है. एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें इसका जिक्र किया गया है, कॉर्नियल कैल्शियम स्कोरिंग का. इफ़ यूजिंग द 10 ईयर रिस्क एस्टिमेट, पेशेंट्स जिनमें रिस्क 20% या उससे ज़्यादा होगा, दे आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम लो डोज डेली एस्पिरिन. जिनमें रिस्क 10% से कम है, एस्पिरिन इज प्रोबेबली बेस्ट टू अवॉइड. When a patient falls within 10-20%, वो लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे 10-20% में, उनका क्या किया जाए, उसके लिए इन्होंने ये एक प्रपोज़ किया है कि उनकी कॉर्नरी आर्टरी की कैल्शियम स्कोरिंग करवा लें. तो कॉर्नरी आर्टरी की कैल्शियम स्कोरिंग के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लें कि अगर स्कोरिंग 100 या ज़्यादा है तो इट आइडेंटिफाइज द पेशेंट्स हु आर लाइकली टू एक्सपीरियंस नेट बेनिफिट फ्रॉम एस्पिरिन, और अगर उससे कम है तो फिर एस्पिरिन अवॉइड की जाए. ये कुछ न्यूली इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली 2022 में पब्लिश हुए हैं. इसमें वो ये कहते हैं कि अगर हमने वो क्लास देखनी है जिनमें ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है और उसको आइडेंटिफाई करना है, तो हमने चूँकि इस पर बहुत पर्टिकुलर और विजिलेंट रहकर देखना है, तो उसमें वो कहते हैं कि उस कैटेगरी के लोगों की भी आप एंटी प्लेटलेट थेरेपी को टारगेट करने के लिए ये दो इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, प्लेटलेट ट्रांसक्रिप्टोमेटिक्स ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और लाइट ट्रांसमिशन एग्रीगोमेट्री. ये प्लेटलेट रिएक्टिविटी के दो टेस्ट्स हैं जो 70 ईयर से ज़्यादा के लोग हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं एस्पिरिन थेरेपी के, उनमें आप ये दो टेस्ट करवा लें, और अगर ये दोनों टेस्ट में प्लेटलेट्स ओवर रिएक्टिव या हाइपर रिएक्टिव मिलते हैं तो आप उनको एस्पिरिन दे दें, अदरवाइज ये किसको अवॉइड करें. इसका मतलब ये हुआ कि पीपल दे आर वर्किंग मोर एंड मोर टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग हैजर्ड्स ड्यू टू एस्पिरिन थेरेपी, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं. ऑब्वियसली जिनमें ये भी होगा, ये हाइपर एक्टिविटी डॉक्यूमेंट होगी, ये वो लोग हैं जिनमें फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान की निस्बत बेनिफिट विड बी मोर देन हार्म्स. कुछ कॉन्सेप्ट्स और इमर्ज कर रहे हैं आजकल. एस्पिरिन की डोज एडजस्टमेंट पर बातचीत हो रही है कि बीएमआई के अकॉर्डिंगली डोज एडजस्टमेंट की जाए ना. इस पर को क्लियर कट अभी तक रिकमेंडेशंस नहीं आई, लेकिन इस पर काम हो रहा है. तो जिनका बीएमआई 25 से कम है उसमें कंसिडर कर सकते हैं एस्पिरिन लेस देन 100 मिलीग्राम्स. जिनका बीएमआई 25 से ज़्यादा है उसमें हाई डोज एस्पिरिन कर सकते हैं. कुछ मैंने कुछ और इफ़ेक्ट्स लिखे हैं एस्पिरिन के, जिसको कीमो प्रिवेंटिव इफ़ेक्ट्स कहा जाता है एस्पिरिन के. ऑब्वियसली इन पे भी अपनी इनकी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन चूंकि आज हम कार्डियोवास्कुलर पे बात कर रहे हैं तो सीए कोलन, सीए एसोफेगस, सीए ब्रेस्ट, सीए लंग, इनमें एस्पिरिन का कीमो प्रिवेंटिव रोल है, कैंसर्स को प्रिवेंट करती है. एस्पिरिन रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है. एस्पिरिन रेजिस्टेंस के लिए उसके लिए भी एक टेस्ट करवाया जाता है, उसमें एक रेकेडोनिक एसिड का कुछ मॉलिक्यूल डाल के उसमें एस्पिरिन. तो जिन लोगों में एस्पिरिन रेजिस्टेंस हो उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन दे रहे होते हैं. और फॉर्मूलेशन के एंटेरिक कोटेड दें या नॉन एंटेरिक कोटेड दें. एंटेरिक कोटेड जो एस्पिरिन, चूँकि वो एंटेरिक है और उसमें जीआई जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू, तो वो लोग जो एक्यूटली कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं उनमें एंटेरिक कोटेड रिकमेंडेड नहीं है. कुछ स्ट्रोक हुआ है या किसी को एमआई हुआ है या एक्यूट कॉर्नियल सिंड्रोम, उनमें नॉन एंटेरिक कोटेड देंगे. ये क्वेश्चन था प्रॉब्लम ओरिएंटेड, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमें टाइम को राउंड ऑफ करना है, इसलिए मैं कंक्लूड करता हूँ. Identifying and treating single risk factor is not important to reduce cardiovascular risk. Comprehensive risk assessment करवानी चाहिए और उसके accordingly decide करना चाहिए aspirin हम किसको दें और किसको ना दें. Thank you very much.